चौक एंड से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, क्योंकि एक छोटे से रेलवे स्टेशन बुद्धो रेलवे स्टेशन पे टोकन बार लगा दी गई है, जिसमें टोकन बार को फेंका जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ जीटी रोड पे टेक्सला के आसपास, और आज हम आपको लेके जा रहे हैं टेक्सला के पास, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है बुद्धो, वहाँ ये जी जीटी रोड के बिल्कुल साथ ML19। काफ़ी ज़्यादा घूम फिर के जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ से हम पहले जा रहे थे वहाँ पर हमारे पीछे कुत्ते लग गए थे, बाइक के पीछे कुत्ते लग जाते हैं अक्सर, तो अभी घूम फिर के जा रहे हैं, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे जल्दी। ये सारा वाक एंड का एरिया है, वाक एंड से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, बहुत ही खूबसूरत खेत, और ये खेतों में से गुजर के सामने ही बुद्धो रेलवे स्टेशन है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी पिशावर ML1 लाइन के एक छोटे से रेलवे स्टेशन बुद्धो रेलवे स्टेशन पे, तो इसका आज आपको विज़िट कराएँगे छोटा सा। और ट्रेन के गुजरने का टाइम तो नहीं है, अगर कोई ट्रेन एक आधी गुजरी तो वो भी मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊँगा। ये है जी रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग, अंदर आहाते में आ गया हूँ मैं रेलवे स्टेशन के। कराची के माड़ी से रावलपिंडी पिशावर ML1 पे ये 1547 किलोमीटर के मार्कअप पे वाक़ है बुद्धो रेलवे स्टेशन। छोटी सी एक बिल्डिंग है लेकिन बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। उस टाइम मैं इसके बगीचे में खड़ा हुआ, ये छोटा सा बगीचा है, और ये आग बुझाने के लिए चीज़ें रखी हैं। उसके अलावा ये खिड़की बनी हुई है, कभी इधर टिकट वगैरह दिए जाते होंगे उसके लिए। हॉल है सामने, बोर्ड लगा हुआ, और ये बैक साइड है इसकी। बैक साइड से भी बड़ा प्यारा बना हुआ है रेलवे स्टेशन। मौसम भी बहुत अच्छा है, और बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे हैं क्योंकि ये सारा गांव है, और मोस्टली इस साइड पे जितने भी लोग रहते हैं अफगानी हैं। तो ये जो रोड है बाहर मेन, ये अगवान रोड के नाम से मशहूर है। छोटा सा ये एक गार्डन बना हुआ है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा फूल वगैरह लगे हुए। और ये बेल लगी हुई है, मैनुअल बेल, जो पुराने वक्तों में ट्रेन आती थी तो बजाते थे। और ये एक जगह बनी है छोटी सी नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। मौसम भी आज बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है, और उसके अलावा मैं आपको बाकी भी दिखाता हूँ। अभी इस टाइम जो है 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस आ रही है, तो वो गुज़रेगी यहाँ से, वो कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये हैंडपम्प लगा हुआ है पानी के लिए, और ये बैक साइड है रेलवे स्टेशन की, एंट्रेंस है। ये वेचर टच पॉइंट का बोर्ड लगा हुआ है, और ये कुछ क्वार्टर्स
और बने हुए पीछे, ये भी बिल्कुल गिर चुके हैं, खस्ता हाल है। और ये किबला रुख के लिए मार्कअप लगा हुआ। ये स्टेशन भी सिंगल लाइन क्रॉसिंग के लिए ही यूज़ होता है, यहाँ पे स्टॉप नहीं है किसी ट्रेन का भी। ये सिर्फ इसके एक लूप लाइन बनी है ये नीचे, और ये जो सामने है वो मेन लाइन है मलवन की। और ये तेल गोदाम और साथ ही ये बत्ती गोदाम है, और उसके अलावा ये कुछ क्वार्टर्स बने हुए खस्ता हाल, जो अब टूट फूट का शिकार है। इनमें रिहाइश तो कोई भी नहीं। ये मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ क्योंकि नीचे जो है वो रास्ता काफ़ी ख़राब है। ये बने टोकन बार लगा दी गई है 39 अप जाफ़र एक्सप्रेस के लिए। 39 अप जाफ़र एक्सप्रेस आ रही है ZCU-20 के साथ, और अभी PLC टोकन कलेक्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ से ये कलेक्ट की है, और जो पहले इनके पास होती है टोकन बार वो मैं बताता हूँ आपको, वो आगे ये फेंक जाते हैं। ये आगे थोड़ा सा जाल सा बना हुआ है, उसमें वो फेंक जाते हैं। ये वो जाल है जिसमें टोकन बार को फेंका जाता है, और फिर जो नया टोकन है वो आगे से कलेक्ट करते हैं जहाँ से मैंने अभी आपको दिखाया। तो फाइनली 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस हमें मिल गई जो मैंने आपको दिखाई, बड़ी स्पीड में क्रॉस हुई है इधर से PLC लेके। और छोटा सा ये रेलवे स्टेशन था, इसमें कुछ देखने को तो था नहीं, तो जितनी वीडियो बन सकी मैंने आपको दिखा दी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज हम शाम के टाइम इधर आए हैं, मेरे साथ मेरा दोस्त आरिफ है, और मेरा एक और दोस्त है इतरत, वो आज किसी काम की वजह से आ नहीं सका, वरना मोस्टली हम जहाँ भी जाते हैं तीनों साथ जाते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।